आज देखना है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। इसके लिए एक बीकर लिए, जल लिए और नमक लिए। एक चम्मच नमक डाल दीजिए, उसको खोलते हैं। ब्लेंड नमक, आप देख रहे होंगे पूर्तिया नमक ब्लेंड हो गया। अब आप इसके तल को देखिए, इसके तल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अभी भी 300 ml पर है। नमक गया कहाँ? इससे यह पता चला कि इनके अणुओं के बीच कुछ रिक्त स्थान था जहां पर नमक के कण बैठ गए और इसके तल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इससे यह पता चला कि कोई भी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है।